है कुछ यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम है, बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है इसके लिए? मैं रीमा मल्होत्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर कार्यरत हूँ। इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है लॉ स्टूडेंट्स को लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करने का, उनको विधिक रूप से साक्षर बनाना। हमारे यहाँ स्पीकर्स भी प्रेजेंट हैं, हम लोगों ने गेस्ट स्पीकर बुलाए हैं, पॉक्सो स्पेशल, जे एक्ट स्पेशल और PCPNDT स्पेशल, जो कि माइन्यूट लीगैलिटीज से डील करेंगे कि किस तरीके से बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और किस तरीके से हम बच्चों को उनको उनके अधिकारों के समीप ला सकते हैं। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो विधिक एक प्रक्रिया है वो लोगों तक, बच्चों तक किस तरह पहुंच सकती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, अगर बच्चे हमारी बेटियां स्वस्थ नहीं, खुश नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, उन्नति नहीं कर सकता है। बच्चों को एक नया मार्गदर्शन देने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया। जैसे कि क्राइम बढ़ता जा रहा है और बेटी को लेकर के बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, बेटियां असुरक्षित सबसे पहले तो हमारे घर से ही होती हैं। उनका शोषण हमारे घर के ही आसपास के सदस्य, वो ऐसे लोग जो हमारी बेटियों को बहुत करीब से जानते हैं, वही करते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि बेटियों का उतना ही सम्मान करें जितना कि वो अपने बेटों का करते हैं, उसी प्रकार से उनका पालन पोषण करें, भरण पोषण करें, उनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार दें और उनके समस्त अधिकारों को उनकी संरक्षण करें। आज का मेरा यही संदेश है। धन्यवाद।